इस समय हम हैं बसई दारापुर में और ये राजा गार्डन के पास में ही एक मोहल्ला है और हम आपका परिचय कराते हैं श्री पदम सिंह जी से कि जो पहले पूर्व एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रहे हैं और वर्तमान में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं। लेकिन इनका बागवानी का शौक जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पूसा समाचार में। और सर ये बताइए कि आप तो कॉमर्स के विद्यार्थी रहे हैं और उसके बाद आपका ये जो बागवानी के प्रति शौक कैसे जागृत हो गया? ये देखिए ये इस तरह से है कि मैं बसई दारापुर निवासी हूँ जो कि एक गांव है और धीरे धीरे ये अर्बनाइज विलेज हो गया। तो मिड 2013 से मैंने ये पौधे लगाने शुरू किए थे और आज करीब जो है मतलब 9-10 साल के करीब होने जा रहे हैं और यहाँ पर मेरे पास जो है करीब 400 तो फलों के पेड़ हैं और कम 35 से 40 फ्रूट के जो पेड़ हैं जो नॉर्दर्न इंडिया में होते हैं वो उसमें मुझे जो है गमलों में उनको लगाया हुआ है मैंने और उसमें मुझे सफलता जो है वो मिल चुकी है। और जितने भी फल होते हैं मैं सबको जो है वो खिलाता रहता हूँ और ऑर्गेनिक खाद का मैं इस्तेमाल करता हूँ तो फ्रूट का टेस्ट भी जो है वो लाजवाब होता है और सब्जियाँ भी मैंने लगाई हुई हैं और फूल की जो बेलें हैं वो भी कम से कम जो है वो 35 से ऊपर तरह की बेलें हैं जो तरह तरह के फूल देती हैं। और इसके साथ साथ मेरे पास कई हर्ब्स के पौधे भी हैं जो आम आयुर्वेद में काम आते हैं, कई बीमारियों में भी काम आते हैं और रोज़ाना मेरा कम से कम इसमें जो है 3 से 4 घंटे मैं इसमें डिवोट करता हूँ। और मैंने कोई माली वगैरह कोई नहीं रखा हुआ है और करीब 1000 से ऊपर पौधे हैं और सारे के सारों को मैं खुद ही मेंटेन करता हूँ। और साथ में मैं जगह जगह अपना पूसा पर्टिकुलरली पूसा इंस्टीट्यूट में मैं जाता रहता हूँ और वहाँ जो भी पौधों में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मैं डिस्कस करता रहता हूँ साइंटिस्ट से, हर एक डिवीजन में जाके जिस भी तरह की है तो वहाँ से मुझे काफ़ी सहयोग मिलता है और काफ़ी मुझे जो है मेरी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी जो है वो सॉल्व। मैं प्रतियोगिता जो ऑल इंडिया किचन गार्डन की जो प्रतियोगिता है यूनिट का मैं कन्वीनर भी हूँ और एक दो में लाइफ मेंबर भी हूँ। तो ऑल इंडिया किचन गार्डन की जो प्रतियोगिता होती है इसमें मैं लगातार जो है मेरा 3रा साल है जिसमें मैं भाग ले रहा हूँ। तो पहले साल मैंने आई गॉट 2 फर्स्ट प्राइज, एक स्टार फूड पे मिला था और एक शतूत पे मिला था जी। उसके बाद अगले साल जो है पिछले साल आई गॉट 3 प्राइजेज, एक कैप्सिकम पे मुझे फर्स्ट मिला था और चीकू पे फर्स्ट था और कमरक पे सेकंड था। और इस बार जो है मुझे जो है 9 प्राइज मिले हैं सारे मिलाकर जो ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन में, और टेरेस गार्डन में मेरा सेकंड आया है और 4 मुझे फ्रूट पे मिले हैं, 1 वेजिटेबल से मिला है और 2 हर्ब्स से मिले हैं। तो सारे मिला के मुझे इस साल जो है वो 9 प्राइज मिले हैं। पूसा का मेरे इसमें जो गार्डनिंग में बहुत बड़ा रोल है और कुछ पौधे मेरे पास पूसा में भी हैं, जैसे कागजी कला वेराइटी, एक नींबू की बहुत अच्छी वेराइटी है, वो मेरे पास 3-4 पौधे हैं और उसमें नींबू लगते हैं। पूसा से मैंने बोगनवेलिया भी लाया हुआ हूँ और काफ़ी पौधे वहाँ से जो मुझे अवेलेबल होते हैं वो मैंने ला के यहाँ पर लगाए हुए हैं और वहाँ पर समय समय पर मेरा जो है वो गाइडेंस मुझे मिलता रहता है, तो इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा सर, जो जैसे हमारे दिल्ली और NCR के लोग हैं जो घरों में रहते हैं जिनके पास अपनी नीचे जमीन नहीं है, जो अगर पोषण वाटिका या जो हम कहते हैं किचन गार्डन लगाना तो चाहते हैं और या टेरेस में कर सकते हैं, उसको बालकनी में कर सकते हैं, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि जैसे आपके पास इतनी सारी तरह के पेड़ पौधे हैं तो इनमें से वो किन किन पौधों को गमलों में लगा सकते हैं? तो जहाँ तक देखिए दिल्ली में थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, स्पेस कम होता है, कई लोगों के पास बालकनी है तो जो अपना शौक पूरा करना चाहते हैं वो बालकनी में भी अपना शौक पूरा कर सकते हैं। और अगर बालकनी में थोड़ी धूप आती है तो फ्रूट प्लांट्स भी वो 2-3 लगा सकते हैं, वो बहुत ईजीली लगते हैं। जैसे नींबू है, नींबू सबसे ईजी टू ग्रो प्लांट है और मेरी सबको यही सलाह है कि अपनी बालकनी में कम से कम नींबू का 1 या 2 पेड़ वो लगाएं। एक पाकिस्तानी वेराइटी है, बहुत अच्छी वेराइटी है, वो पूरे साल वो फल देती है। तो इस तरह आप स्टार फ्रूट है, आप अमरूद है और चीकू है, ये 3-4 जो फल हैं बहुत आसानी से बालकनी में भी 3-4 घंटे की धूप में जो है बहुत आसानी से हो सकते हैं। और किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है फ्रूट प्लांट्स में कोई वो है तो मेरे नंबर पर वो जो है 9818153999 इस पर वो मुझसे संपर्क करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम है और गाइडेंस आप ले सकते हैं। मैं टीचिंग साइड पर भी काफ़ी रहा हूँ तो इसलिए मुझे जो है वो लोगों को अपना ज्ञान शेयर करने में बहुत ही अच्छा लगता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद।